पतंजलि योग समिति सावनेर व मातुश्री वृद्धाश्रम सोनपुर आदासा के संयुक्त प्रयास से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मातुश्री वृद्धाश्रम सोनपुर आदासा में रंगों का त्यौहार होली के पावन पर्व पर 5 मार्च से 7 मार्च तक 3 दिवसीय योग उत्सव का आयोजन किया गया है। 7 मार्च के योग सत्र का संचालन वरिष्ठ योग शिक्षक किशोर ढूंढेले द्वारा उर्मिला ताई जुवारकर जिला प्रभारी महिला पतंजलि पंकज पांडे निखिल भूते की उपस्थिति में संपन्न हुआ। योग सत्र के पश्चात उर्मिला ताई जुवारकर नागपुर जिला महिला प्रभारी पूर्व नगर सेविका नाना झाड़े और मातुश्री वृद्धाश्रम आदासा के व्यवस्थापक प्रदीप जी चंदन बटवे आदि मान्यवरों का उनके सामाजिक कार्य में योगदान हेतु शॉल श्रीफल पुष्प गुच्छ देकर सत्कार किया गया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी मान्यवरों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि अपने परिवारों से दूर इन पितातुल्यों के चेहरे पर जो उत्साह है वह इन रंग बिरंगे रंगों से परे है और उनकी सेवा करने का अवसर हमें ऐसा ही आयोजन में प्राप्त होता है जिससे इनका आरोग्य स्वस्थ रहकर यह रंगोत्सव इनके जीवन में सदैव बना रहे ऐसे विचार व्यक्त किए। 7 मार्च 2023 को धूलिवंदन के पावन पर्व पर सभी मान्यवरों की उपस्थिति में रंगोत्सव मनाया गया जिसमें राज्य महिला ओबीसी अघाड़ी की मानकर ताई नागपुर महानगर पालिका की पूर्व नगर सेविका नैना झाड़े वरिष्ठ समाज सेविका शुभांगी ताई पूर्व वरिष्ठ योग शिक्षक राजेंद्र जुआरकर पंकज बांते निखिल भूते नरेश पाटिल दीपक झुंझुवाड़िया चारुलता पाटिल आदि पदाधिकारियों के साथ सावनेर मातोश्री वृद्ध आश्रम के व्यवस्थापक व वृद्ध आश्रमवासी पदाधिकारी योग शिक्षक सहयोग शिक्षक सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहकर आयोजन का लाभ उठाया। इस रंग उत्सव के विशेष आयोजन के सफलतार्थ महिला पतंजलि योग समिति तालुका सावनेर के लता ढवले पराग जुवारकर राजू कालबांडे विनोद काले पवन सायरे आशा ढूंढेले सुमित चौधरी मोहनेन्द्र चौधरी आदि ने पुरुषार्थ किया। वहीं मातोश्री वृद्ध आश्रम के व्यवस्थापक प्रदीप चंदन बटवे और सभी कर्मचारियों ने इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में और उपस्थित सभी मान्यवरों के जल पान की उचित व्यवस्था की। मातुश्री वृद्धाश्रम में आयोजित इस रंगोत्सव में उपस्थित मान्यवर और वृद्धाश्रम वासियों ने गीत गायन शेरो शायरी और सामूहिक नृत्य आदि के साथ वृद्धाश्रम वासियों का उत्साहवर्धन कर उन्हें रंग लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर सावने तालुका की मीडिया टीम ने उपस्थित रहकर सभी को उत्साहित किया जिसमें श्याम चौहान पीयूष झुंझुवाड़िया सूरज सिलकर शुभम ढवले आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहकर रंगोत्सव का आनंद लिया। तो वहीं मातुश्री वृद्धाश्रम के हरिश्चंद्र सावत शरद चौहान दिगंबर भगत प्रकाश धोटे अशोक पडोले कृष्णा मोहन सुशीला कोहले शीलाबाई ध्रुवे मंगला ताज ने सावित्री ताज ने आकाश ताज ने आदि ने आयोजन के सफलतार्थ परिश्रम लिए। कार्यक्रम का संचालन पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के मुख्य योग शिक्षक किशोर ढूंढेले ने तो प्रास्ताविक मातोश्री वृद्धाश्रम के प्रदीप चंदन बटने ने तो आभार युवा व्यवसायी राजू कालबांडे ने माना। आज आदासा में मातोश्री वृद्धाश्रम में मोदी के कार्यक्रम में इतना अच्छा आयोजन वृद्धाश्रम की तरफ से किया गया है। मैं ये होली मिलन में जितने भी आए हमारे मेहमान हैं, मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और इतना अच्छा आयोजन के लिए माननीय श्री किशोर भाव ढुंडोले जी और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एक मौका है जो बेचारे ऐसे बुजुर्गों के साथ हमको इतना अच्छा मौका मिल रहा है उनके साथ समय गुजारने का। होली तो हर कोई एक्चुअल में मनाता है, अपने घर में मनाता है, लेकिन हमारा ऐसा सौभाग्य है कि इनके बीच में आकर हमको होली मनाने का इतना अच्छा मौका मिला है। मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, आश्रम की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। पतंजलि योग समिति जो नागपुर से दूर दूर से आए लोग यहाँ है, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसे मौकों में आज सब एकत्रित होकर यह होली के मौके पर सब इनके साथ समय गुजारने का मौका मिला। धन्यवाद प्राचीन सभी महानुभाव को मेरा प्रणाम। और आज इस आदासा के मातोश्री वृद्धाश्रम में कम से कम मेरे ख्याल से हम 8-10 साल से यहाँ पर होली मनाने के लिए आ रहे हैं और ये सब कुछ संभव हो रहा है हमारे सावनेर तालुका के प्रभारी आदरणीय किशोर भाऊ के माध्यम से और उसे भी जैसे हमारे आदरणीय चंदन बटवे सर इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और धन्यवाद है आप सभी को क्योंकि जैसा आप लोगों को लगता है कि होली आने वाली है तो वैसे हमें भी कम से कम एक महीने से ही ऐसे ये लगा रहता है कि होली आने वाली है और हमें मातोश्री वृद्धाश्रम में जाना है। तो
पहले तारीख देखते हैं कि कौन सी तारीख को है और हमें कौन सी तारीख को जाना है। तो हम इस पर्व में जब यहाँ पर आते हैं और इन सभी के साथ में होली खेलते हैं, एक अलग ही आनंद की अनुभूति हमें यहाँ पर प्राप्त होती है और ये सब कुछ हो पाता है ये मातोश्री वृद्धाश्रम के, आप यहाँ के रहवासियों के माध्यम से। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और होली की अनंत अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। सावनेर से NBCN न्यूज के लिए किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट।